सरकार का नाम हजरत शेख मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मैसर से ताल्लुक है। चूंकि आप अरबी थे इसलिए लोग आपको शेख साहब के बम्बई उजमा की सरजमीन पर इबादत की गर्ज से आए। गुसल शरीफ भी जो है वो अगले महीने ही रजब की 13 तारीख को मनाया गया, फरवरी महीने। अजब की सफाई में एक शेर आया करता था जिसकी पूंछ में बाल बहुत ज्यादा हुआ करता था। वो अजब के सहन में दो या तीन चक्कर लगा था फिर वो बड़ी पैगंबरी की तरफ जाके बैठ जाया था। वो साहिब औलाद हो जाती है, जो कि औरत मन्नत करती है, और वो मन्नत ये करती है कि जब वो बच्चे को लाती है फिर वो मिस्री में यहाँ वजन कर दिया करती है, वो औलाद हो जाती है। कहते हैं बांझ औरत इलाके से जो जाता है वो साल दो साल बाद वापस इसी इलाके में आता है। हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जब आप यहाँ इबादत किया करते थे उस वक्त यहाँ नमक तोड़ो आंदोलन हुआ था। आप तारीख पढ़ेंगे नमक तोड़ो आंदोलन बडाला में हुआ था जब वो गांधी जी वगैरह ने नमक तोड़ो आंदोलन किया था। वहाँ पर नमक निकल लोग उसको जो है वो खटारे में भर के बेचने जाते थे। आप उनसे मना करते थे और कहते थे कि इसको आपने भरा तो है बोरियों में लेकिन इसका दाम जो है वो मिस्री के भाव का था। लोग ये कहते थे कि हमने अभी नमक भरा है हम इसको मिस्री के भाव कैसे बेच देंगे। तो आप ये कहते थे कि आप मेरी बात पर यकीन करो या बोरे खोल दो। जब बोरे खुल दिए जाते थे वो सारा नमक है वो मिस्री बन जाता है माशाल्लाह। आप तभी गरीबों की मुफ्तिसों की इस तरीके से मदद करते थे कि नमक को आप शक्कर बना दिया होने की ज़ात में फिर बोल रहा हूँ अल्लाह की तरफ से, लेकिन वलियों के हाथ में काफ़ी कुछ छोटा है। कहते हैं यहाँ से काफ़ी बंटवारा बटता है लोगों को और यहाँ पर आने वालों की मुरादें बरा। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये शेख मिस्री जामा मस्जिद है। मस्जिद के रंग रोगन इसकी बनावट का तरीका आपने देखो ये तर्किश से जो है वो मेल खाता है। जिन साहब ने बनाया है जजाय खैर किया है। मस्जिद बनाते वक्त उनकी ये बात थी ये कॉल था कि मेरे अलावा और किसी का पैसा इसमें ना लगने देना। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस मस्जिद को पूरे का नाम देने से भी मना किया था। ट्रस्टियान को हम खादिमों को उन्होंने खास हिदायत की थी कि मेरा नाम कहीं पर भी मत देना। इस तरह के लोग ऐसे उस अंदाज से बनाई गई अखराजात के लिए उन्होंने अपने पैसों का मुंह खोल दिया था। उन्होंने एक चीज़ की भी कमी नहीं होने दी और माशाल्लाह ये जामा मस्जिद टाइल वगैरह जो है वो यहाँ बाहर से मंगाई गई और यहाँ लगा दी गई। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजें यहाँ बिल्कुल वक्त पर होती। इमाम जो है वक्त पर हाजिर हैं। ये मेम्बर शरीफ भी मार्बल के इन्होंने बनाया जिसमें जुमा का खुतबा होता है। ईद की नमाजें 2 होती हैं। जुमा में भी हम कम भीड़ रखते हैं इसलिए हम 2 जमाते हैं। हाउस है वहाँ पर जहाँ पर वजू खाना है जी। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। तकरीबन मस्जिद में 550 से 700 आदमी एक साथ नमाज अदा करता है और इलाका काफ़ी वसी है। तकरीबन 800 से 1000 लोगों की नमाज से हमारा तलब करते हैं। आज हमारा एक बटा है जहाँ पर मेरे बाप दादा के दादा यहाँ दफनाए गए मेरी औलादों की औलादें यहाँ दफनाई जाएंगी। इस सरकार का बड़ा करम है। शुक्रिया सरकार की खिदमत में हूँ। मेरी 5वीं नस्ल जो हम लोग खिदमत कर रहे हैं पाँचवीं नस्ल से हूँ। मेरे बाप दादा के दादा सब इसी कब्रस्तान ये वो कब्रस्तान है जो खादिमों के लिए बनाए गए। तो मुझे पता है उसमें मेरे वालिद उसमें मेरे भाई है मेरा दादा है मेरा चचा है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।